लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव नजदीक है, जिसके तहत आखिरी यानी सातवें चरण के मतदान 1 जून को होंगे। इसके मद्देनजर चुनाव प्रचार भी चरम पर है और सभी दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तरफ से मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे पीयूष गोयल 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी के प्रिंट वाली टी शर्ट में भाजपा समर्थकों ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। इस दौरान पीयूष गोयल ने कुछ कहा, सुनिए। बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दे देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो और 140 करोड़ देशवासी सुख से और बड़े सुकून भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ तेजी से बढ़े। सर, आज व्यापारी वर्ग से भी आप मिलने वाले हैं, आप कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, आप पूरे बहुत अच्छे से जानते हैं जिस तरीके से तमाम जो व्यापारी जो व्यापार आगे बढ़ा उस पर क्या कुछ। देखिए, बनारस के लोगों ने हर संभव देश की सेवा की है, देश की विरासत को भी संभाल के रखा है, संजो के रखा है और बनारस में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, आज पर्यटन बनारस का एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन बन गया है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों लोग आज बनारस आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं। मैं समझता हूँ निर्यात में भी जो बनारस का योगदान है, इन सबको जोड़े तो विकास की गंगा बनारस में बहुत तेज गति से बह रही है। अब हम इसे आगे चल के और तेज गति देंगे। सर, इस इलेक्शन में हमने देखा इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई, कई सारी इस तरीके की बात हुई, पाक भी इस इलेक्शन में आ गया, इंटरेस्ट लेने लगा, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों में लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में लगातार लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं अलग अलग योजनाओं से, बिना भेदभाव के। कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं पूछी, कभी किसी की भाषा नहीं देखी, कभी ये भी नहीं देखा कि आपने वोट किसको दिया। बिना भेदभाव आज 140 करोड़ लोगों तक विकास की गंगा बही है, चाहे 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, 55 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, और अब तो आगे चल के 70 वर्ष की आयु से जितने लोग 70 वर्ष से ज्यादा है सभी को आयुष्मान में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, चाहे वो 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में घर देना यानी 20 करोड़ लगभग भारतवासियों को एक पक्का घर स्वयं का मिलना हो, या 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हो, इन सब में कभी भेदभाव नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बस देश की विकास यात्रा को सैचुरेशन यानी हर व्यक्ति तक पहुंचे ये लक्ष्य रखा है। वही समर्थकों ने भी इस दौरान जमकर उत्साह देखने को मिला। वास्तव में जो है कि काशी के साथ पूरा हिंदुस्तान पूरा भारत तैयार है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने के लिए, और जिस तरह से मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार, उसी तरह बनारस में हम युवाओं की टीम जो है मोदी जी के नाम पे मोदी का परिवार एक टीम बनाई हुई है जिसमें करीब करीब 250 लोग हैं और मोदी का पता आप टी शर्ट देख रही हैं। इस टी शर्ट में हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे बनारस में जगह जगह मॉर्निंग वॉक के स्पॉट पे जाते हैं और मोदी जी के 400 पार के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। अब की बार 400 पार, यही नारा को हम लेकर लेके आगे बढ़ रहे हैं और निसंकोच इस बार 425 पार होंगे। मैडम, बनारस के हम लोग हैं और बनारस में हम लोग अतुल का अब की बार 400 पार के नारे के साथ चल रहे हैं और सुबह निकलते हैं, 2 घंटे हम लोग करते हैं, 400 पार कंफर्म आएगा, मोदी जी गारंटी है तो ये हो के ही रहेगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सिगरा स्थित शहीद पार्क में मॉर्निंग वॉक की। उन्होंने पार्क में मौजूद काशीवासियों से हालचाल जाना और शहर के बारे में जानकारी ली। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अचानक पार्क में देखते ही महिलाएं सेल्फी लेने के लिए काफी उत्साहित दिखी। पीयूष गोयल ने पार्क में महिलाओं के साथ योग और प्राणायाम भी किया। बता दें कि सातवें चरण में 1 जून को वाराणसी में चुनाव होना है और इसको लेकर सभी पार्टियों ने वाराणसी और पूर्वांचल की सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी सबसे
बड़ा केंद्र बन चुका है, क्योंकि काशी की धरती से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। ऐसे में यहाँ विपक्ष के लिए बीजेपी को टक्कर देना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।